38 देखिए, इधर टेन वाई है, टेन वाई बराबर में है डी वाई बाई डी एक्स, टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में है साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स माइनस वाई। दोनों का फॉर्मूला लगा दें, हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसका भी उसी तरह से हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स इंटू में साइन वाई। यह दोनों देखो सेम है, कट जाएंगे। इसे मैं साइन वाई बटा में कॉस वाई लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स, और ये दोनों जोड़ के हो जाएंगे टू साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉस वाले को इधर भेज देते हैं साइन से, और ये नहीं, ये तो टेन में है ना, मुझे इसे चेंज नहीं करना चाहिए, मैं सोचा ना कि कुछ कट जाएगा तो ये कट नहीं रहा है, तो इसको इधर भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं होता, आप चेंज मत करो, टेन वाई को टेन वाई ही रहने, तो मैं सोचा कि कुछ कटेगा इसलिए मैंने चेंज किया था। यह सोच ले टेन वाई बराबर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में टू साइन एक्स कॉस वाई। चलिए अब एक काम करते हैं, कॉस वाई को इधर लाते हैं, तो टेन वाई बटा में कॉस वाई डी वाई और डी एक्स उधर लेते हैं टू साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा ना, सेक वाई इंटू में टेन वाई डी वाई और बराबर में टू साइन डी एक्स। अब चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, सेक वाई इंटू टेन वाई डी वाई बराबर में टू साइन एक्स डी एक्स। चलिए तो यहां देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद है फॉर्मूला, सेक हो जाएगा, सेक वाई ही हो जाएगा और ये आपका माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस में सी, तो इसको लाते इधर प्लस का हो जाएगा ना टू कॉस एक्स प्लस में सेक वाई, सेक वाई बराबर में सी, यह आपका आंसर हो गया। समझ गए, चलिए अगला।